होशियारपुर दे थाना टांडा पुलिस ने 548 ग्राम नशीले पदार्थ समेत 6 स्मगलरां नूं गिरफ्तार किया जिन्हां दे विच 4 औरतां शामिल ने। इन्हां दे उत्ते पहलां भी नशा स्मगलिंग दे कई मुकदमे दर्ज ने। इस मौके दे उत्ते थाना टांडा मुखी ओंकार सिंह ब्राड दे वल्लों जानकारी दित्ती गई है कि इन्हां 6 दोषियां नूं काबू करके उन्हां दे कोलों नशीला पदार्थ बरामद होया जिन्हां दे खिलाफ NDPS एक्ट तहत वख-वख मुकदमे रजिस्टर्ड ने ते इन्हां नूं हुण गिरफ्तार कर लिया गया। सारे दोषी वखो वखरे एरिए तों संबंध रखदे ने। फिलहाल इन्हां तों पुछगिछ कीती जाएगी ते बनदी कारवाई इन्हां दे खिलाफ कीती जाएगी। टांडा पुलिस ने अज बहुत वड्डी रिकवरी कीती है जिहड़ी वे नशा वेचण वाले तस्करां नूं फड़िया गया। की कहना चाहुंदे सर? किन्ने कुछ जिला होशियारपुर अंदर मानयोग SSP सरदार सरताज सिंह चाल जी वल्लों पंजाब सरकार दे एजेंडे मुताबक मानयोग DSP साहब जी की जो गाइडलाइन हैगी है उसके अनुसार टांडा पुलिस ने काफ़ी वड्डी कामयाबी हासिल की है। पिछले दिनों तो इस स्पैशल मुहिम के तहत काफ़ी स्मगलरों ने जेल भेजा सी और उन्होंने पुछगिछ साढ़े को काफ़ी तत्थ सामने आए भी कि स्मगलर किन्ना साधनों राही पैसे इकट्ठे करके अपना नशा बेचते हैं। इन्हों नशा तस्करों के पुछगिछ दौरान असी काफ़ी बंद नोमीनेट किया जिन्हों के अज सवेरे सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और मानयोग SP मनप्रीत सिंह ढिल्लों SPD DSP प्रवास सिंह ते टांडा पुलिस की टीम ने वख जगह नाकाबंदी की। 6 असी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिद 4 मेल है फीमेल है तो 2 मेल है। कुल 548 ग्राम असी नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इन्होंने दोषियों से काफ़ी मुकदमे दर्ज है जिमें रूप लाल है इतने पहला पर्चे दर्ज है 2 कृष्णा से 9 मुकदमे दर्ज है ज्योति से 2 मुकदमे दर्ज है सुखबीर कौर से 4 मुकदमे दर्ज है काजल से जी है काजल इतने 9 मुकदमे दर्ज है पुरशोत्तम लाल से भी 1 मुकदमे दर्ज है। ये सारे दोषी पहला जेलों चो आए हैं इस धंधे से बुरी तरह वट चुके हैं तो इन्हों की पुछगिछ दौरान साढ़े को जोड़े जिन्हें राही नवी स्मगलिंग करते हैं वो भी असं इस मुकदमे नोमीनेट कर रहे हैं तो उन्होंने भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई यहो जिहा कानून होना चाहिए सर जिहड़े मतलब कि जिदा नशा वेचते इन्हां दे कई परचे दर्ज ना पर परचे दर्ज आ भी इदां दी सज़ा मिले भी जिहड़ा इन्हां नूं मुड़ के देखो यह जिहड़ा सज़ा देना कोर्ट का काम है साडा काम है जी डिटेक्शन करना और डिटेक्शन करके दोषियों जेल भेजना ड्यूरिंग ट्रायल साढ़े दोषी काफ़ी सज़ा भी होंगे और जिहड़े हैबिचुअल हैगे ने इन्हां दे समय 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 अनुसार असीं इन्हां नूं हैबिचुअल होने के नाते इन्हां दे खिलाफ प्रिवेंटिव 110 CRPS तहत भी कार्रवाई करते हैं और जो भी कोई रिकवरी इफेक्ट होंगी तो असीं उही केस रजिस्टर कर लैंदे। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 68 F ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।